अग्निवीर सेना भर्ती के संदर्भ में कलेक्टर डॉक्टर विपिन इटनकर और सेना भर्ती अधिकारी कर्नल जगत नारायण द्वारा पत्रकारों से संवाद साधा गया, जिसमें अग्निवीर भर्ती संदर्भ में हुए बदलाव के संदर्भ में जानकारी साझा करते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवाओं ने अग्निवीर भर्ती में आवेदन करने की अपील जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर द्वारा की गई है। अग्निवीर भर्ती विदर्भ के 10 जिलों के लिए 16 फरवरी से शुरू हो चुकी है। इस अग्निवीर भर्ती में कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे कि अब पहले आवेदनकर्ताओं की परीक्षा होगी। जो इस परीक्षा में मेरिट आते हैं उनकी फिजिकल टेस्ट होगी, पहले जबकि ऐसा नहीं था, लेकिन युवाओं को परेशानियां ना हो इसलिए ये बदलाव किए गए हैं। साथ ही जिलाधिकारी बोले कि इस साल अग्निवीर भर्ती के लिए बहुत ही कम आवेदन प्राप्त हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या इस अग्निवीर भर्ती में आवेदन करे और इस भर्ती का लाभ उठाए। आजच्या या फक्त 5 मिनिटासाठी आपल्याला बोलवलं होतं, कारण महत्त्वाचा विषय आहे, आपल्या विदर्भ जे आहे त्यातल्या रोजगाराचा विषय आहे। आणि या पत्रकार परिषदेत आपण आवर्जून कर्नल जगतराम साहेबांना बोलवलं आहे। आपण मागच्या वेळेस जे भरती झाली होती याच्यामध्ये, अग्निवीर भरती जे आपण झालं होतं त्याच्यामध्ये काही चेंजेस ह्यावेळेस शासनाने केलेले आहे, त्यामुळे त्या चेंजेस काय आहे आणि त्या चेंजेस आपल्या ग्रामीण भागातल्या जे विद्यार्थी राहील जे पार्टिसिपेट करणार त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपण आजची प्रेस घेतलेली आहे। मागच्या वर्षी जे आपल्या मनकापूर स्टेडियमला जे अग्निवीरची भरती झाली होती त्याच्यामध्ये पहिले फिजिकल झालं होतं आणि नंतर एक्झाम झाली होती, त्यामुळे थोडे लॉजिस्टिकल इश्यूज होऊ शकतात, खूप लोकांना अननेसेसरी त्रास होत होता, त्यामुळे ह्यावेळेस गव्हर्नमेंटनी थोडं चेंज केलेलं आहे। यामध्ये जे आपले जिल्हे आहे नागपूर, वर्धा, वाशिम, अमरावती, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, अकोला आणि यवतमाळ या 10 जिल्ह्यासाठी नागपूर इथे मागच्या आपण भरती केली होती। यावेळेस फक्त चेंज असा आहे की पहिले एक्झाम होणार आणि नंतर फिजिकल एक्झामिनेशन होणार। तर आत्तापर्यंत आपल्या ग्रामीण भागातले रजिस्ट्रेशन कमी आलेले आहे, त्यामुळे आपल्या माध्यमातून त्या नागरिकांपर्यंत विद्यार्थ्यांपर्यंत आपल्याला पोहोचायचं आहे, जेणेकरून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी त्या पोर्टलला लॉग इन करून परीक्षेसाठी बसावं। आए हैं, मैं बहुत आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं कर्नल आर जगत नारायण, डायरेक्टर आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस नागपुर। मैं प्रेजेंटली यहाँ पे डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट टेनेट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि पिछले बार जो रिक्रूटमेंट रैली हुआ था वो एक बहुत ही सक्सेसफुल और कामयाब के तौर पर करने के लिए पूरा असिस्टेंस जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तरफ से और उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया था। इसके वजह से कोई इंसिडेंट फ्री, कुछ भी, कोई कैंडिडेट कोई लॉस नहीं, कोई डॉक्यूमेंट लॉस नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, बहुत ही स्मूथली कंडक्ट हुआ था और इसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा था। तो इस बार मैं हमारा एम यही होगा कि हम मिल के वैसे ही एक और रैली जो है यहाँ विदर्भ रीजन के यूथ के लिए कंडक्ट करें। ये जो अभी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है ये टोटल 11 कैटेगरीज का चल रहा है, जिसमें कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन, अग्निवीर विमेन मिलिट्री पुलिस। ये जो कैटेगरीज हैं ये जो हैं एआरओ नागपुर ने पब्लिश किया है। इसके अलावा फॉर थ्रू आउट महाराष्ट्र कैंडिडेट्स सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी, सिपाही फार्मासिस्ट और जूनियर कमीशन ऑफिसर रिलीजियस टीचर, ये कैटेगरी भी पब्लिश हुआ है। इसको जो है एक्सेस करने के लिए अभी जो वेबसाइट बताया था joinindianarmy.nic.in, उसमें जो कैंडिडेट जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तब उनका आधार से डाटा कैप्चर होगा और जिस जो भी एलिजिबिलिटी है उनका, जिस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं वो अपने आप जो है उनको एलिजिबिलिटी दिखाएगा कि इन इन कैटेगरी में उस कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो कैंडिडेट उस पर्टिकुलर कैटेगरी को अप्लाई कर सकता है और सिर्फ एक ही कैटेगरी को चूज कर सकता है। इस दौरान कर्नल आर जगत नारायण बोले कि विदर्भ के 10 जिले जिसमें नागपुर, वर्धा, वाशिम, अमरावती, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, अकोला, यवतमाल, बुलढाणा जिले को छोड़कर ये भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। 16 फरवरी से भर्ती प्रतिक्रिया शुरू हो ऐसे 15 मार्च तक चलेगी। परीक्षा के आवेदन www.joinindianarmy.com
nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके बाद परीक्षा 17 अप्रैल से 4 मई 2023 तक दो सेंटर नागपुर और अमरावती में होगी और 20 मई 2023 को इस परीक्षा के नतीजे घोषित किए जाएंगे। साथ ही इस दौरान इस अग्निवीर सेना भर्ती में शामिल होने की अपील कर्नल आर जगत नारायण द्वारा की गई है। एक कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में जानकारी देने के लिए वीडियो अपलोड किया है और अपने कैटेगरी के मुताबिक क्या सिलेबस और उस सिलेबस के मुताबिक क्या क्या तैयारी करना है इसके डिटेल्स भी दिया गया है। एक वीडियो भी बनाया गया है ऑनलाइन सी को कैसे अपीयर करना है और जो है उसके मेथोडोलॉजी क्या क्या डाटा फिल करना है इसके बारे में भी वीडियो अवेलेबल है। सो कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये वीडियो एक बार देख लें। सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी अपलोड किया है तो कैंडिडेट्स को ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी अवेलेबल है प्रैक्टिस करने के लिए। कोई भी क्वेरी हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में, अगर कोई कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में किसी तरीके से जो है हर्डल्स है या नहीं कर पाते हैं तो वो ARO नागपुर में जो है फिजिकली आ सकते हैं और हमारे जो टेलीफोन नंबर जो नोटिफिकेशन में दिया है उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन में असिस्टेंस दिया जाएगा। ये जो स्कीम जो बेसिकली ऑनलाइन स्कीम किया है ये जो है एंटी टाउटिंग को रिड्यूस करने के लिए है और ये कैंडिडेट्स को ये सूचना देना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से जो है एजेंट से या जो है यहाँ पे टाउट से जो है अपना पैसा ना खोएं क्योंकि ये एक फुली ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें किसी तरीके से कोई भी जो है चीटिंग करने का कोई स्कोप नहीं है। ये अग्निपथ स्कीम पिछले बार जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है यूथ ने पार्टिसिपेट किया था तो मैं आप सबसे यही विनती करूंगा कि जो है आप ये मैसेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूथ के तक पहुँचाएँ ताकि जो है वो इस स्कीम का पूरा लाभ उठा सके। NBC न्यूज़ के लिए राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।